ओम श्री परमात्मने नमः। सत्रहवें अध्याय में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादी की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब 100 वर्ष बीत गए तब साध ने दो यमज जन्मे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साय साय करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की गड़गड़ाहट का सा शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही स्यारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गंधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपने खिड़कों में बंधे हुए और वन में चलते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि दोहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनगातक के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदिदैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। यथा प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया, उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम
हिरण्यकश्यपु रखा और जो दिति के उधर से पहले निकला वो हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वो अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वो भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ सर्वलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था, उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर दिया था, इसलिए वो सर्व था, निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डरे, डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। प्रवा महावली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकवका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उनकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को अजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विवरहपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभो, आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मंत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादि का कोई चाप नहीं रह गया है, भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें कोई और ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेकी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। अतः यहां 17वां अध्याय समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।